झारखंड के रामगढ़ में इस लॉकडाउन के दौरान साइबर ठग रुपए ठगने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। साइबर अपराधी फोन कॉल मैसेज के बाद अब फेसबुक आईडी हैक कर उनके मित्रों से रुपए मांग रहे हैं। ये ठग कई फेसबुक यूजर्स का आईडी हैक कर उनके मित्रों के फेसबुक मैसेंजर में मैसेज लिखकर रुपए की मांग कर रहे हैं। इस तरह लगातार फेसबुक आईडी हैक होने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फेसबुक आईडी हैक होने का मामला झारखंड के रामगढ़ जिले के चितरपुर व दुलमी प्रखंड से आई है। यहाँ कई फेसबुक यूजर्स इसके शिकार हो चुके हैं। हालांकि अब तक इनके झांसे में कोई नहीं आया है और रुपए की ठगी नहीं हो सकी है, लेकिन इस बात का डर उन्हें हमेशा सता रहा है कि कहीं उनके आईडी से गलत पोस्ट ये साइबर अपराधी ना कर दें और वो बेवजह कानून के शिकंजे में ना फंस जाए। मेरा फेसबुक आईडी हैक कर लिया गया था, मेरा जितना फ्रेंड्स है सबको पैसा का डिमांड किया जा रहा था। कब हुआ था ये? परसों हुआ था, सुबह में 7:30 बजे का। क्या नाम है? चंदन प्रसाद। चितरपुर के युवक चंदन कुमार ने बताया कि उसके फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया है। ये अपराधी उसके 4-5 दोस्तों को मैसेज कर राशि की मांग कर रहे हैं। जब हमें दोस्तों ने फोन करके पूछा कि आखिर तुम्हें अचानक रुपए की आवश्यकता क्यों पड़ी, तब मैंने कहा कि मैंने ऐसा कोई मैसेज लिखा ही नहीं है। जबकि इसकी जांच पड़ताल की गई तो यह मैसेज बिल्कुल ही फर्जी निकला। इस मामले में संबंधित रजरप्पा थाने में मामला भी दर्ज करवाया। ठीक इसी तर्ज पर यह अपराधी अन्य फेसबुक यूजर्स के साथ भी इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे हैं। हुआ ये था कि मोबाइल हैक हो गया था और अचानक पैसे का डिमांड आया कि 15,000 रुपया मोबाइल से ट्रांसफ़र कर दो। तो हम बोले कि मोबाइल से तो मेरा होता नहीं है, हम बैंक जाएंगे तो ही कर पाएंगे। तो किसी तरह से बोल के टाल दिए उनको। और जब कॉल किए तो पूछे कि इस तरह का बात है, मैसेज आपका है? तो नहीं, हम तो नहीं किए। हम बोले कि नहीं, मैसेंजर में तो आपका मैसेज आया हुआ है। तो फिर बताए कि हो सकता है हैक हुआ होगा फ़ोन। यही बात था। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसे में अगर सतर्कता नहीं बरती गई और फेसबुक आईडी से कोई गलत पोस्ट हो गया तो उनकी परेशानियां बढ़ सकती है। यहां तक कि उन आईडी धारियों पर कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में 1 माह के अंतराल में फेसबुक पर गलत पोस्ट करने के आरोप में पुलिसिया कार्रवाई के तहत कई लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है। इसलिए स्थानीय लोग और जिनके अकाउंट को हैक किया गया है उनमें भी डर का माहौल है। मेरा बेटा का चंदन प्रसाद का आईडी हैक कर लिया था। मैं उनका पिता हूं, गंगाधर साहब उर्फ भोला साहब। मैंने थाना में आवेदन दे दिया ताकि कल दिन भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी माहौल बहुत ख़राब है। कोई किसी तरह का चैट करके कुछ लिख दे, कुछ भेज दे तो सारे लोग हमारे घर आ जाएंगे कि मेरा बेटा का आईडी है। इसलिए मैंने थाना में आवेदन दे कर रिसीव ले लिया। किस तरह का मामला है? वो मेरा बेटा के नाम से कोई चेट कर लिया था, आईडी को हैंग कर लिया था और वो पैसे का डिमांड कर रहा था उनके दोस्तों को और खुद मेरा दूसरा बेटा को पैसा का डिमांड कर रहा था, तो पैसा तो मिला नहीं। ये साइबर अपराधी इतने शातिर हैं कि ये इलाजरत छोटी बच्ची की बीमार अवस्था की फोटो पोस्ट कर मदद के लिए रुपए मांग रहे हैं। वहीं इस मामले में जिले के पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने बताया कि हमारा साइबर सेल काफी एक्टिव है और इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के मामले में 2 लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है और अभी 1 मामला रजरप्पा थाना क्षेत्र का आया है जिसमें फेसबुक आईडी हैक कर उनके मित्रों से रुपए की मांग की गई है। अभी अनुसंधान चल रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी एक शिकायत आ रही है, पिछले कुछ दिनों से लगातार आती है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग या तो आपत्तिजनक पोस्ट करते रहते हैं, वर्कआउट पोस्ट करते रहते हैं, और कुछ ऐसी भी शिकायत आई है कि किसी दूसरे का फेसबुक आईडी हैक करके और उनके दोस्तों के माध्यम से कुछ पैसे की मांग की किया जाना, इस प्रकार का शिकायत आया है। इसमें लगातार हम लोग कार्रवाई करते हैं, जब भी सूचना प्राप्त होती है आवश्यक कार्रवाई करते हैं। आप जानते हैं कि इसी सब मामले में 2 लोग गिरफ्तार होकर जेल भी भेजे जा चुके हैं और अभी एक मामला आई है रजरप्पा थाना अंतर्गत,
हम लोग उस पर लगे हुए, अनुसंधान चल रहा है, डेफिनेटली इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्रैक जेईई लाइक अ बॉस यूजिंग साइंटिफिक स्टडी मटीरियल, लर्न फ्रॉम द बेस्ट इन इंडिया, हाईएस्ट सिलेक्शन रेट इन जेईई विद 1000 प्लस सिलेक्शंस एवरी ईयर। वीएमसी में हो गया समझो जेईई हो गया। Want to crack IIT JEE? Join VMC and learn from the best. VMC ho gaya, samjho JEE ho gaya. Want to become a doctor? Join VMC. Crack NEET or get fee refund. Newslens channel ko YouTube mein subscribe kare aur khabre sabse pehle dekhne ke liye bell button jarur dabaye. Newslens mein khabar ki suchna dene ke liye sampark kare aur video WhatsApp kare.